की कहानी के साथ जो वाकई है पाकिस्तान के बहुत ही प्यारे से शहर लाहौर में। तो मैं आपको लम्हा लम्हा आगे दिखाता चलूँगा, बादशाही मस्जिद की तरफ लेके चल रहा हूँ मैं आपको। तो दिखाता हूँ कितने प्यारे तरीके से इसको बनाया गया, और बहुत ही तारीखी जगह है ये भी। उस दौर में जब बनाई गई थी तो उसी हालत में अभी भी ये है वहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ चल के। तो चलें अभी जुड़े रहें मेरे साथ, दिखाता हूँ मैं। ये इसका एंट्रेंस हो जाता है यहाँ पे। जी तो फाइनली मैं एंट्रेंस पे अंदर आ चुका हूँ, और आगे मैं आपको लम्हा दर लम्हा लेके चल रहा हूँ उनके एंट्रेंस की तरफ बादशाह मस्जिद की। तो दिखाता हूँ कितने प्यारे तरीके से इसको बनाया गया था। तो ये देखें, तो ये उन बाहर से एंट्रेंस है बादशाही मस्जिद का, तो मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ। ये बादशाही मस्जिद की बाउंड्री वाल, और ये इसका एंट्रेंस का यहाँ पे थोड़ा सा मैं व्यू दिखाता हूँ आपको। मेन एंट्रेंस गेट है बादशाही मस्जिद का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। देख सकते हैं उस दौर में कितने प्यारे तरीके से इसकी सजावट की गई थी। बादशाही मस्जिद की ये इसकी बादशाही मस्जिद की हिस्ट्री जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी तो अभी मैं एंटर हो चुका हूँ मस्जिद के अंदर, बादशाही मस्जिद के अंदर। और ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी तरीके से इसको बनाया गया, और सारी साइडों से बाउंड्री है इसको बहुत प्यारी प्यारी। ये बादशाही मस्जिद का बहुत ही प्यारा लुक, और बहुत प्यारे तरीके से इसको बनाया गया था, इसकी सजावट जड़ावट वहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ आगे दिखाता हूँ। बहुत प्यारे तरीके से बनी हुई है, उस दौर की बनी हुई, आज भी चमकती दमकती। और आप ऊपर देख सकते हैं, ये आपके सामने एक चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, कि दीवार में वो पौधा हुआ है, और ऊपर ऊपर बिल्कुल ही, ये भी अल्लाह का एक मौजा ही कह सकते हैं हम। ये देख सकते हैं आप, ये मस्जिद के मैं अभी अंदर दाखिल हो चुका हूँ, तो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ अंदर मस्जिद का भी। ये मस्जिद की गुंबद का जो मैं व्यू दिखा रहा हूँ आपको, इसके तीन बड़े एंट्रेंस भी हैं। तो अभी भी अपनी वही शान और शौकत रखती है जब उस दौर में बनाई गई थी वैसी की वैसी।
जी, तो अभी ये बादशाही मस्जिद पे तबर का आते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पे ज़ियारत मुबारक और के उनके बाल मुबारक की ज़ियारत करा था, मैं आपको लेके चल रहा हूँ आगे चले। जी सर बेटा, आगे नहीं चलते चले, हाथ नहीं लगाना, आगे नहीं चलते चले। जी तो जैसा कि मैंने आपको आज बादशाही मस्जिद का दिखाया, कैसा लगा ये ज़रूर हमें मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर मज़ीद कोई भी आगे तारीख़ी जगह या कोई भी चीज़ आपके माइंड में आती है कि ऐसे होना चाहिए था, तो वह ज़रूर रहनुमाई कीजिएगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज इसी के साथ मैं अपने वीलॉग का इख्तिताम करूँगा, फिर जाऊँगा आपसे अल्लाह ने के बाद दुआ में। आज शाम बखैर, जज़ाए खैर।